Fuck with devils, I'm a rebel. Big city god bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डार्क वर्ल्ड गेमिंग के अंदर। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की गेमिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो यार भाई, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है वेपन रॉयल के अंदर जो अभी नई गन आई है M1014 की, इसकी नई वेस्टलैंड M10, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका डबल रेंज है, सिंगल डैमेज बढ़ा हुआ है और उसका जो रेट ऑफ फायर है वो घटा हुआ है। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसके जो रेंज है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम नॉर्मल जो M10 होती है उसको देखेंगे, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो आप देख सकते हो इसकी नॉर्मल रेंज, देख सकते हो सबसे पहले तो आगे वाला और जो इसके पीछे वाला जो स्टेप है उस वहाँ तक इसकी रेंज जा रही है। मतलब एक जो नॉर्मल M10 होती है उसकी जो उसकी बिना स्किन के बिना कुछ, तो इसकी जो रेंज है वो सेकेंड स्टेप तक जा रही है। आप देख सकते हो वहाँ ऊपर तक भी जा रही है और अच्छी खासी डैमेज भी दे रही है। तो मतलब इसकी रेंज भी थोड़ी अच्छी है, मतलब नॉर्मल की जो रहती है रेंज जो उसकी सही है। अब अपन देखते हैं जो ये वेस्टलैंड जो M1014 है तो इसकी कितनी रेंज है। तो आप देख सकते हो पहला स्टेप क्लियर कर चुकी है, दूसरे स्टेप पर क्लियर कर चुकी है, मतलब वहाँ तक भी इसकी रेंज जा रही है। तो थर्ड स्टेप तक की मैंने कोशिश करी थी वहाँ पर, तो उसके अंदर रेड डॉट आ नहीं रहा था, तो इसका मतलब है कि वहाँ तक ये इसकी रेंज नहीं है। तो मतलब इसकी भी रेंज दो स्टेप तक ही है, देख सकते हो आप दो स्टेप तक ही है। तो मतलब इसका रेंज उस नॉर्मल रेंज जो नॉर्मल M10 है उसकी रेंज दोनों ही बराबर है यार भाई, मतलब ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है इसके अंदर रेंज के अंदर। तो यार मतलब रेंज बढ़ाने का फिर क्या मतलब निकला। तो यार आप देख सकते हो वो भी डबल रेंज है यार। अब मैंने इसके अंदर कुछ क्लिप लगाई है कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर है ना भाई, एक सबसे बेहतरीन जो बात है इसके अंदर हेडशॉट बहुत प्यारे निकलते हैं। मतलब देखो कितनी रेंज तक इसके अंदर मतलब बंदे को मार सकते हो आप। तो यार देख सकते हो मतलब इसका देखना, यहाँ पर हेड बहुत प्यारे प्यारे निकलते हैं इसके अंदर, मतलब एक ना एक हेडशॉट तो निकल ही जाता है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसके अंदर थोड़े से अपन ज़्यादा रेंज के अंदर हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर यार एक हेड पक्का ही निकलेगा ही निकलेगा। मतलब थोड़ी रेंज ज़्यादा हो जाती है अपने बीच में तो मतलब एक निकल ही जाता है इसके अंदर। और यार भाइयों इसके अंदर जो था रेट ऑफ फायर माइनस कर रखा, तो यार मेरे को इतना फर्क नहीं दिखा उसके अंदर रेट ऑफ फायर का कि यार कि ज़्यादा अंतर दिखाई में नहीं दिया। मतलब इसका जो रेट ऑफ फायर है मेरे को नॉर्मली लगा। मतलब इसके अंदर अगर आप फायरी शॉटगन चलाओगे तो उसके अंदर जो उसका जो रेट ऑफ फायर है ना उसका घटा हुआ है, उसका भी घटा हुआ है, पर उसके अंदर यार भाइयों बहुत धीरे धीरे चलती है, ठक ठक, मतलब टाइम लेती है मतलब चलने में। तो आप देख सकते हो मतलब इसके अंदर आपको कहीं पर भी मतलब कमी नहीं दिख रही होगी कि ये ना बताऊँ, इसका जो रेट ऑफ फायर के अंदर ज़्यादा मेरे को कमी दिखी नहीं है। और इसके अंदर रेंज के अंदर तो आप देख सकते हो मतलब इसकी देखो इतनी रेंज के अंदर भी मैं इतने अच्छे अच्छे इसके अंदर हेडशॉट चल जाते हैं। मतलब इसके अंदर लॉन्ग रेंज के अंदर भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो मतलब इसका रेंज का एक और एडवांटेज मिल जाता है। और अब हम डैमेज की बात करते हैं, डैमेज तो इसके अंदर नॉर्मल डैमेज जो इसका 27 का डैमेज है यार, मतलब मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर शॉटगन चला रहे हो उसके अंदर डैमेज बढ़ा हुआ हो तो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि यार भाई एक चीज़ बताओ, क्योंकि शॉटगन बनी क्यों है, शॉटगन का मतलब है कि इसका डैमेज अच्छा खासा है, मतलब शॉर्ट रेंज के अंदर काम आएगी, तो यार इसका डैमेज का इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यार भाई अब हम करते हैं इसका कंपेरिजन 1M1887 से। तो आप देख सकते हैं M1887 का थर्ड स्टेप तक इसकी रेंज जा रही है, देख सकते हैं मतलब इसकी कितनी लॉन्ग रेंज तक यार इसकी वो जा रही है, थर्ड क्या फोर्थ स्टेप तक जा रही है यार भाइयों इसकी रेंज, देखो तो सॉरी फोर्थ स्टेप तक इसकी रेंज जा रही है। तो मतलब यार M1887 की जो रेंज देख रहे हो आप कितनी दूर तक जा रही है, और इसके अंदर जो डबल रेंज बड़ी है फिर भी उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो M10 के अंदर। तो आप देख सकते हो M10 की जो रेंज है ना भाई, देख सकते हो आप कितनी दूर तक स्टेप टू तक ही जा रही है। मतलब यार इसकी कंपैरिजन करें M1887 से तो यार मतलब रात दिन का अंतर है यार। उसके अंदर देखो यार फोर्थ स्टेप तक उसकी रेंज जा रही है और इसकी टू स्टेप तक ही जा रही है, जबकि इसकी डबल रेंज बढ़ी हुई है। अगर देख सकते हो आप मतलब यार M1887 को कितनी इन्होंने धाकड़गन बना रखा है यार मेरे भाइयों, मतलब अंतर ही नहीं किया जा सकता उससे। तो यार सारी शॉटगन से बेहतरीन शॉटगन है यार M1887 यार, मतलब वो अलग ही लेवल तक है, नेक्स्ट लेवल तक है। और बाकी M10 की स्किन के अंदर सबसे पहले मैं यार जो सिंगल रेट ऑफ फायर वाली है उसको मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि उसके अंदर केवल रेट ऑफ फायर बढ़ा हुआ है सिंगल, और उसके अंदर कुछ भी चीज़ माइनस नहीं घटी हुई है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में डबल रेट ऑफ फायर वाली को दूंगा और थर्ड नंबर में इस गन को रखूँगा। तो यार भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी मिलते हैं अपन यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।